नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल गियरबॉक्स में। तो आपने जैसे हमारी लास्ट वीडियो देखी थी फॉर्च्यूनर के स्पेक्स के बारे में, तो आज हम इस गाड़ी के जो रिव्यू है, कस्टमर रिव्यू, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और ये गाड़ी है 2012 मॉडल, आपको जैसे हमने पिछली वीडियो बताया था। तो इस गाड़ी के ओनर राकेश को मैं आपसे मिलाना चाहूँगा। तो राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले बताइए राकेश जी, आपका खुद का एक इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम राकेश फेनिन है, गांव रसीदपुरा है। अच्छा। और मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ खेती भी करता हूँ। अच्छा, मतलब आप किसान हो, किसान के पास ये गाड़ी हो तो क्या ही बात है। तो सबसे पहले आप बताइए, गाड़ी आपने कब परचेज की थी? ये लगभग 3 साल पहले मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी। और आपने इसके लिए कितना पे किया था उस टाइम पे? उस टाइम ये लगभग पड़ी थी मेरे को 13 लाख रुपए की। अच्छा, 13 लाख रुपए की। तो इस गाड़ी में आपने 13 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आज 3 साल आपको चलाते हुए, तो आपको इस गाड़ी को लेके आपको कैसा लग रहा है कि गाड़ी आपने जो उठाई है वो अच्छी उठाई है, आपको कहीं चुना तो नहीं लग गया इस गाड़ी? नहीं, गाड़ी बहुत अच्छी है, इसको चलाते हैं तब एक अलग ही फील आता है। अच्छा, वो तो है भाई, फॉर्च्यूनर फॉर्च्यून होती है, सही बात है। तो अभी ये 3 लीटर का डीजल इंजन है, तो इसकी पावर वावर अब काफी अच्छी होंगी। पावर बहुत अच्छी है, तो आप उससे फुल सेटिस्फाइड भी होंगे अच्छी तरह। तो राकेश, आप मुझे ये बताइए, ये गाड़ी लेने से पहले आपने कोई और गाड़ी पर देखी थी मार्केट में? नहीं नहीं, गाड़ी लेनी ही थी तो देखने के। अच्छा, मतलब वो फॉर्च्यूनर ही लेनी थी। चलो बढ़िया है। तो बाकी की बातें हम गाड़ी में अंदर बैठ के करते हैं और आपको बताते हैं गाड़ी कैसे चलने में है। उसके साथ साथ आपसे हम इनसे पूछेंगे कि इनके पास गाड़ी जो 3 साल उन्होंने चलाई है तो उसके एक्सपीरियंस कैसा है, कोई यदि इसमें प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। चलो चलते हैं। राकेश, आप मुझे ये बताइए, ये गाड़ी आपको एवरेज क्या निकाल के दे रही है? ये मार्केट में इसका एवरेज है 10 से 11 का एवरेज देती है, बाकी रोड पे जब लंबे चलाते हैं तो 14-15 का एवरेज है आराम से। अच्छा, मतलब एवरेज के मामले में आप इससे सेटिस्फाइड हो पाती है? फॉर्च्यूनर के नाम से आपको यदि 15 एवरेज मिल जाए तो ठीक है वो। हाँ, चलो बढ़िया। तो आपने इससे, तो राकेश जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने इससे लंबी ट्रिप कहाँ कहाँ की है और उसका एक्सपीरियंस कैसा आपका? इससे मैं जैसलमेर गया हूँ। अच्छा। और दिल्ली भी काफी बार जा चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, बैठे बैठे आदमी वो परेशान नहीं होता। अच्छा, और गाड़ी की स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या कहोगे? जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो हाईवे पे आपको जैसे 80, 90, 100 या 120 चला रहे हो, तब गाड़ी का जो बिहेव है, जो गाड़ी आपके साथ जितना अच्छे से आप बिहेव कर रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? यानी गाड़ी कितने लंबे चला लो, 120-150 तक तो इसको पता भी नहीं चलता कि गाड़ी भाग रही है। अच्छा, एकदम ऐसे स्मूथ चलती है पूरी। ओके, तो आपने बोला है कि मैंने 3 साल पहले परचेज की है, तो आपने इससे, जब से आपने इस गाड़ी को परचेज किया तब से आपने इस गाड़ी को क्या खर्चा आया आपको, फिर बाहर से आपने इस गाड़ी में कुछ काम करवाया हो? बाहर से इसका सस्पेंशन का काम कराते हैं, वो तो काफी महंगा पड़ता है इसका। अच्छा। और बाकी इसका जैसे मैं हर 10,000 किलोमीटर पे इसका ऑयल चेंज करवाता हूँ, ऑयल सर्विस कराता हूँ, वो 15 से 20 हजार में हो जाती है इसकी। अच्छा, मतलब आपकी, आपका बोले मतलब कि आप सर्विस जो होती है वो 10,000 पे करवाते हो? हाँ, हर 10,000 किलोमीटर पे करवाता हूँ। और आपने अभी जैसे बोला कि सस्पेंशन इसके चेंज करवाए थे, तो क्या कितने कॉस्टिंग आई थी उनकी? वो चेंज नहीं करवाया, उनका काम करवाया था। अच्छा, काम करवाया था, हमने चेंज नहीं करवाया था, तो उसकी भी आप कॉस्टिंग बता दो। लगभग 30 से 40 हजार रुपए की आई थी पूरा काम होने में। अच्छा राकेश जी, आपने इस गाड़ी में बाहर से आफ्टर मार्केट भी कुछ काम करवाया क्या? आफ्टर मार्केट ये LED लगवाई है। अच्छा, जो ये स्क्रीन है एंड्रॉइड है ये। अच्छा, कितने की पड़ी है आपको ये? 17,000 की डलवाई थी दिल्ली से। अच्छा, 17,000 की आपने दिल्ली से डलवाई थी। तो आपने अभी जैसे बोला कि मुझे तो फॉर्च्यूनर ही लेने थे, तो अभी जो नई वाली फॉर्च्यूनर आई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप चेंज करने वाले हो कि अभी थोड़ा और रखोगे इस गाड़ी को? चेंज करने का मन तो है, लेकिन गाड़ी ये पहले वाली बेटर आती है, उसी ये मजबूत गाड़ी आती है। अच्छा, हाँ, बिल क्वालिटी काफी अच्छी आती है इस गाड़ी की भी। तो मुझे ये बताइए कि आप इसकी सनरूफ, जैसे आजकल जो फीचर आ रहा है सनरूफ, तो उसको मिस नहीं कर रहे हो क्या इस गाड़ी में? नहीं, फॉर्च्यूनर और सनरूफ का तो कोई मेल ही नहीं है इस गाड़ी में। ये भी आप सही बोल रहे हो। राकेश साहब, मुझे ये बताइए कि इस गाड़ी के बारे में कुछ पॉजिटिव हो जाए इस बार। पॉजिटिव तो यही है कि गाड़ी का पावर काफी अच्छा है,
फोर बाई टू होने के बावजूद भी इसको कहीं ऐसे तो देखना नहीं पड़ता कि ये गाड़ी कहीं रुक जाएगी। और बाकी जो मार्केट वगैरह में लेके निकलते हैं तो लोग काफी मुड़ मुड़ के देखते हैं, इसकी रुतबा ही अलग है। और बाकी रोड पे चलते हैं तो एकदम स्मूथ चलती है। तो राकेश जी आप ये बताइए इस गाड़ी के नेगेटिव क्या है? नेगेटिव तो बाकी कुछ नहीं है, इसकी इंजन की नॉइस थोड़ी अंदर तक आती है, बाकी फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर ही है, नेगेटिव हो ही नहीं सकते। बात सही है आपकी, चलो बढ़िया है। तो आप मतलब इस गाड़ी से फुल सेटिस्फाइड हो पाती है? हाँ बिल्कुल। ओके राकेश जी आप मुझे ये बताइए इस गाड़ी में आपको ऐसे कौन से फीचर है जो आपको मिसिंग लग रहे हैं गाड़ी में? एक तो क्रूज कंट्रोल होता तो अच्छा रहता, और ये कि स्टीयरिंग इसका है वो हाइड्रोलिक आता है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग होता तो वो और ही बेटर रहता। अच्छा, तो मतलब आप क्या यही दिक्कत है? और गाड़ी में जैसे आप इसको लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाते हो तो गाड़ी जो स्टेबिलिटी है वो तो बड़ी है ही। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में कुछ बोलना चाहो अपने हमारे व्यूअर्स को तो क्या बोलोगे? इस गाड़ी के लिए तो यही बोलना चाहूंगा कि फॉर्च्यूनर का तो कोई मुकाबला है ही नहीं, गाड़ी का अपने आप में एक रुतबा है। और बाकी गाड़ी को कहीं भी लेके निकलो तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, चलाने में बहुत। ठीक है, तो ये थी हमारी 2012 फॉर्च्यूनर। गाड़ी काफी स्मूथ अभी भी चलने में, और गाड़ी के इंजन के जो परफॉर्मेंस है अभी भी बहुत बढ़िया निकल रहा है। और मैंने अभी इसको लगभग 20 से 25 किलोमीटर ड्राइव की है और एक्सपीरियंस किया है गाड़ी में, अब आज भी दम है। और जैसा बोलते हैं कि टोयोटा का इंजन बहुत बढ़िया आता है तो वो सही बोलते हैं। ये गाड़ी लगभग 170,000 के आसपास ड्राइव हो चुकी है, फिर भी गाड़ी में कोई कमी नहीं लग रही और गाड़ी की ब्रेकिंग अच्छी है। हाँ, इसमें थोड़ा सा क्लच का काम ये गाड़ी मांग रही है, और मैंने अभी राकेश जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि अगले महीने के आसपास हम इसका क्लच का काम कराने वाले हैं। तो उसकी कॉस्टिंग यदि हमें दोबारा राकेश जी से मिलना हुआ तो आपको इसकी कॉस्टिंग भी बताएंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको मेल दिया हुआ है, उसमें आप हमें मेल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारी फॉर्च्यूनर का कस्टमर रिव्यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।